फिर ऐसी बात होती थी कि बच्चे कभी कभी स्कूल में आने के लिए थोड़ा सा ये भी करते थे कि उनको आने के लिए 1.5-2 घंटा लगता था स्कूल में आने के लिए। फिर उनके घर से लेके स्कूल में आने के लिए उनके करीबन 3 घंटे चले जाते थे। और बाद में फिर कभी कभी तो वो ऐसा सोचते कि नहीं अभी क्या, चलो एक दिन नहीं गए तो क्या होता है। तो फिर मुझे ये सवाल ऐसा पैदा हुआ कि अगर ये बच्चे कंटिन्यूटी रहेगी तो करेगी क्या। फिर अभी कंटिन्यूटी तो रखना है, बच्चों को तो स्कूल तक के लाना है और बच्चे तो बहुत परिश्रम से स्कूल आते, फिर करे क्या आखिर ये बच्चे स्कूल में आए और आके उन्हें उस स्कूल की दिलचस्पी और बढ़े। तो फिर मैंने सोचा कि करे क्या। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के 7वें एपिसोड में मैं सुरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले से श्री मोहम्मद डी मुलानी जी। मुलानी जी एक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, तो आइए जानते हैं मुलानी जी ने शिक्षा कार्य में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया। तो सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा एवं पृष्ठभूमि कैसी रही, हम थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा जन्म एक ग्रामीण गांव जिसको लोणी कहा जाता है वहां पे हुआ है। मेरा जो परिवार था वो साधारण परिवार था, मगर छोटे से व्यवसायिक मेरे अब्बा थे। माताजी गृह शिक्षा सब गृहणी गृहस्थी संभालती थी। मगर एक बात ऐसी है कि जो मुझे प्रारंभिक शिक्षा जो मिली उसमें हमारे जो कुछ टीचर थे वो मैं अभी तक के भुला नहीं पाया। उस वक्त चाहे तकनीकी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मगर वो जो शिक्षा थी वो शिक्षा बहुत बेहतरीन शिक्षा थी कि जिस वजह से आज हम बहुत सी कुछ बातें कर सके, क्योंकि तो हमें हमारे दिल में हमारे दिमाग में हमारे टीचर लोगों ने जो कुछ हमें दिया वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक मेरे गाँव में ही हुई। बाद में मैं जूनियर कॉलेज मेरे गाँव के करीब दूसरा एक गाँव है जो 10 किलोमीटर पे था, तो मैं पैदल आकर जा करता था। जूनियर शिक्षा मेरी वहां पे हुई और बाद में मेरी सीनियर कॉलेज जो है तो मेरा तालुका प्लेस मंचर में हुआ। किन जरूरतों की वजह से आपने दैनिक शिक्षण कार्य में तकनीकी चीजों के इस्तेमाल शुरू किया? शुरू में मुझे एक समझ में आया सर कि ये जो बच्चे थे ये बच्चों को स्कूल की इन्हें चाहत तो थी, मगर उन्हें और भी कुछ बातें उनके अंदरूनी में ऐसी थी कि उन्हें खेलना अच्छा लगता था या खेतों में काम करना अच्छा लगता था। हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है और बहुत खूबसूरत बेहतरीन एरिया है, तो उन्हें उसमें घूमना अच्छा लगता था। यानी कैसी की शिक्षा तो उन्हें लेनी है, मगर बात ऐसी कि पूरा वक्त उनको शिक्षा में दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसी बात होती थी कि बच्चे कभी कभी स्कूल में आने के लिए थोड़ा सा ये भी करते थे कि उनको आने के लिए 1.5-2 घंटा लगता था स्कूल में आने के लिए। फिर उनके घर से लेके स्कूल में आने के लिए उनके करीबन 3 घंटे चले जाते थे। और बाद में फिर कभी कभी तो वो ऐसा सोचते कि नहीं अभी क्या, चलो एक दिन नहीं गए तो क्या होता है। तो फिर मुझे ये सवाल ऐसा पैदा हुआ कि अगर ये बच्चे कंटिन्यूटी रहेगी तो करेगी क्या। फिर अभी कंटिन्यूटी तो रखना है, बच्चों को तो स्कूल तक के लाना है और बच्चे तो बहुत परिश्रम से स्कूल आते, फिर करे क्या आखिर ये बच्चे स्कूल में आए और आके उन्हें उस स्कूल की दिलचस्पी और बढ़े। तो फिर मैंने सोचा कि करे क्या। मेरी संस्था जो है सर बहुत साधारण संस्था है, मगर संस्था के लोग जो है वो दिल से बहुत अमीर है। मैंने उनसे बात की सर, और उनसे बात करने के बाद में हमने थोड़ा सा ये सोचा कि वो उस वक्त का वक्त ही ऐसा था कि स्कूलों में संगणक वगैरह ये जो बातें थी कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लोगों को भी मालूमात नहीं थी ज्यादा। मैंने करीबन उस वक्त का एक डिप्लोमा कंप्लीट किया था और वो डिप्लोमा की वजह से मैं ऐसा सोचा कि चलो कि हम अगर इसका इस्तेमाल पढ़ाई में करते तो बच्चों को कम से कम स्कूल में आने के लिए रुझा होता और वो बच्चे स्कूल में आके रुकते और थोड़ा सा इंटरेस्ट उनमें पैदा होता। मेरे संस्था ने मेरी बात सुनी सर, 10 कंप्यूटर उस वक्त उन्होंने हमारे स्कूल के लिए खरीदी किए। और बात ऐसी हुई कि वहां से आगे सर ये सर 90 की बात है, यानी करीबन 90-92। तो उस वक्त सर यानी बहुत पहले की बात है, हमारे संस्था भी बहुत ट्राइबल सेक्शन की संस्था है, मगर उस संस्था के लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया सर। और उस वक्त क्या हुआ कि फिर बाद में हमने
वो कंप्यूटर के जरिए बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को वो भी बातें कैसे कि एक मनोरंजन के हिसाब से वो देख रहे थे वो शिक्षा की ओर, चलो कि मनोरंजन। हमने भी फिर बात ऐसी की कि चलो कि बच्चे कम से कम स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में रुक रहे हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और उसके बाद में इसी बात हुई सर कि मुझे भी इसमें कुछ इतना ज्यादा मालूमत नहीं थी उस वक्त, इंटरनेट का प्रॉब्लम वगैरह या ज्यादातर के कंप्यूटर का इस्तेमाल और भी ज्यादा कैसे किया जाता है वही मुझे भी मालूम नहीं था। मगर बाद में मुझे ऐसे कुछ मौके मिले, एनआईओएस का एक काम जो हमारे तरफ मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स उस वक्त उसको आईबीटी क्या कहा जाता था वो शुरू था, और वो शुरू हमारा जो हो गया सर तो वहां से आगे हमारे स्कूल में बहुत सी कुछ तब्दीलियां आई। और उसके बाद में ऐसी बात हो गई कि मैं बच्चों को एक थोड़े से जो पढ़ाने की जो तरीका था वो चॉक एंड टॉक उसके जगह पे हमने थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया कि बच्चे तकनीकी तौर पे इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगे और बच्चे रुकने लगे। यहाँ तक सर कि जो बच्चे 1.5-2 घंटे उनको स्कूल आना लगता था, उनको स्कूल में वापिस घर पे जाने के लिए दिक्कतें थी, पेरेंट्स लोगों ने वो बच्चे गांव में रखने के लिए उन्होंने उन्होंने उनको रूम्स लेके ले ले कर दिए और बच्चे वहां पे रुकने लगे। फिर हमारे नाइट स्टडी वगैरह उस वक्त होती थी, यानी इस तरीके से बच्चे उनको उसमें इंटरेस्ट आना आने लगा। और मैंने ये सोचा कि बच्चे तकनीकी तौर पे बहुत अच्छी तरह से उसमें दिलचस्पी लाते हैं। पहले पहले मैंने कुछ यही भी बातें की कि चलो कि चलो बच्चों को गेम बताए, गेम सिखाए, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बतलाए। यानी पहले मैंने उसका इस्तेमाल लगे टेक्निक का ऐसा नहीं किया कि चलो उसको उनको ज्यादा करके ये शिक्षा की ओर भी ये करे, तो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अच्छी अच्छी फिल्में उनके उन्हें बताना जो तरह उनके दिमाग पे अच्छा उस पर असर हो, उनके जो कुछ रुझाव जो है तो अच्छे से अच्छे बढ़े। तो ये बातों में थोड़ा सा मेरा पहला वक्त बहुत गया, मगर वो मुझे बाद में उसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली सर। तो बिल्कुल सर। तो सर, जब आप बच्चे को सिखाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कौन से उद्देश्य रखे थे? मेरा पहला मकसद था कि बच्चे जो भी पढ़े समझ कर पढ़े और उसका उसके व्यावहारिक जीवन में वो अच्छी तरह से उपयोग कर सके। ये मेरी पहली शिक्षा के बारे में की बात की, तो मैंने उस पे पहली जो ये किया। दूसरी बात की कि बच्चों को अगर हम मैथ्स और साइंस टीचर का नहीं मगर मैथ्स टीचर बोले बाद में बात ऐसी होती थी उस वक्त कि मैथ्स टीचर बोले बाद में बहुत एंग्री टीचर, वो बच्चों को रोब बताए, बच्चे डरे तो बस मैथ्स टीचर से डरते थे या इंग्लिश टीचर से डरते थे। मगर ये बात मुझे पसंद नहीं थी कि तो बच्चे अगर स्कूल में इंटरेस्ट लेकर आए, बच्चे को अगर पढ़ने के बारे में अगर इंटरेस्ट दिलाना हो तो उसको आनंददायी शिक्षण बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने दूसरा जो मकसद रखा था कि बच्चे को जो पढ़ाए वो आनंद से पढ़ाए, दिलचस्पी से पढ़ाए। बाद में दूसरी बात मैंने इसे सोची कि जिसमें बच्चे का उत्साह बढ़े, ये बात मैंने तीसरी इसमें समझ में ली। और बच्चों को उस तरीके से उनका उत्साह कभी कम होने नहीं दिया, और अगर उन्हें कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होती थी मगर फिर से उनको उनके उत्साह के बारे में थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद जगाकर थोड़ी सी कुछ बातें करने की कोशिश की। गणित विज्ञान जैसे जो सब्जेक्ट है इनका डर उनके दिल में जो था तो डर दूर करने की पहली मैंने कोशिश की। तो सर, अभी जब आपने शिक्षण कार्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उस दौरान आपको किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ा था? पहली तो बात सर हमारे जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है वो पेरेंट्स तो बात ऐसी थी उनकी कि वो खुद पढ़े हुए नहीं थे, उसके वजह से वो पेरेंट्स का ही कहना था ये बच्चा हमने तुम्हारे पास दिया है बस अभी तुम्हें इसे क्या करना है वो तुम करो, इसके बारे में हमें तुम और बाद में मत पूछो कि इसकी ये समस्या है उसकी वो समस्या है। समस्या भी तुम समझ लो और उसका निराकरण भी आप ही कर लो। कि इस तरह से सर हमें पेरेंट्स लोगों ने समझा कि बस वो बच्चों के वे नहीं, हम पेरेंट्स हैं और हमें ये समझना पड़ा कि जिस तरीके से हमारे खुद के बच्चे हैं ये बच्चे हमें उस तरीके से हमें उनमें बदलाव लाना है। और ये बहुत बड़ी बात थी सर कि हम हमारा बच्चा तो हमारा समझते मगर दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाना इतनी आसान बात नहीं है। और ये ट्राइबल सेक्शन में जब मैं शुरू शुरू में तो मुझे ये बातें कुछ ऐसी भी समझ में आ रही थी कि बच्चे कम उम्र के थे
और कम उम्र के बच्चे के उस वक्त शादियां भी बहुत जल्द हो जाती थी, तो ये भी बातों की हमें समस्या थी। अंधश्रद्धा जो थी उस तरफ उस वक्त ज्यादा थी, और अंधश्रद्धा की कुछ बातें ऐसी थी कि उन्हें वो पारंपरिक उनके जो कुछ बातें थी उनमें से वो बच्चों को निकालना था, उस पेरेंट्स को निकालना था, और बहुत सी और भी बातों की समस्या थी कि कभी कभी तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि 100 बच्चे के 100 में 100 बात मानेंगे ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि उस वक्त वो हमारे जो कुछ एक मरतब ऐसा भी हुआ कि हमारे स्कूल के कंप्यूटर सर चोरी हो गए, यानी ये भी एक समस्या उस वक्त खड़ी हो गई। ये दिक्कतें थी, मगर मेरे ख्याल से वो दिक्कतें नहीं थी, एक संघर्ष था हमें कुछ और कुछ करने के लिए। वो हमें ये कर रहा था कि नहीं तुम्हें कुछ करना है, ये रुकावटें तो आती है और मगर वो रुकावटों को दूर करके हमें आगे बढ़ना है, और वो बातें हमने की। सबका साथ जी, सबका सहयोग इसके लिए बहुत जरूरी था, वो मिल गया जी सर। जी सर, तो सर अच्छा लगा आपने जिस तरीके से चैलेंज अपने सॉर्ट आउट किए हैं, तो वो काफी काबिलियत तारीफ है। सर आज तक आपने किन किन तकनीकी चीजों के इस्तेमाल से बच्चों को पढ़ाया है? शुरू में तो सर मैंने एक बात की कि बच्चों को नया था, मेरे लिए नया था। उस वक्त मैंने एक बात की कि एक्टिविटी शीट कार्य पत्रिका जिसे कहते हैं कि बच्चों को ट्रेडिशनल मेथड जो है तो ट्रेडिशनल मेथड में से निकालना था। शुरू में मैंने क्या किया कि एक एक्टिविटी शीट्स बनाने शुरू किए, फिर एक्टिविटी शीट में मैं एक एग्जांपल बच्चों को देने का, और उसके बाद में उस तरीके के और 5 एग्जांपल्स उन्हें देने के। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि वर्ड्स पे उसका काम किया, हार्ड कॉपीज वगैरह में बच्चों को देने लगा, बच्चे वो एक एग्जांपल देखकर उसका जो नीचे कुछ ऐसे ब्लैंक्स वगैरह देने का और वो ब्लैंक वो फिल करने के, और उस तरीके से शुरुआत मेरी हो गई। बाद में मैंने क्या किया कि फिर मैंने थोड़ा सा पावर पॉइंट का इस्तेमाल करने शुरू किया, पावर पॉइंट में मैं थोड़ी कुछ इफेक्ट्स वगैरह देने लगा, स्क्रीन पे बच्चों को वो बातें जो है तो सादरीकरण करके प्रेजेंटेशन देकर मैं खुद उनको वो बातें बताता था और वो विजुअलाइज करता था। बच्चों को वो अलग लग रहा था सर कि ये बातें स्क्रीन पे आ रही है, ये बातें उसमें सर कुछ और अलग तरीके से बता रहे। बच्चे उठते नहीं थे सर, मेरा जब मैंने टाइमिंग होता था पढ़ाने का तो बच्चे अगर मुझे 10 बजे पढ़ाना है तो बच्चे बिफोर 15 मिनट्स बिफोर 30 मिनट्स आते थे सर। ऐसा नहीं होता था कि 10 के बाद में बच्चे आ रहे हैं कैसे भी आ रहे, ऐसा नहीं होता था, वो बच्चे पहले आते थे। तो वो टेक्निक मैंने पहले इस्तेमाल किया वर्ड्स के, बाद में मैं थोड़ा पावर पॉइंट में चला गया। उसके बाद में सर जैसे जैसे मेरी भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती रही, बाद में मैंने थोड़ा सा उसमें अच्छे अच्छे जो कंटेंट्स कॉर्पोरेट कंटेंट से लेकर जो कुछ वीडियोस थी, फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मगर केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें कि सोडियम की रिएक्शन हमें बतानी है, मगर रिएक्शन हमें बताने के लिए सोडियम हम नहीं ले सकते या कुछ ऐसी कुछ बातें, तो फिर मैंने ऐसे कुछ वीडियोज डाउनलोड किए कि वो डाउनलोड करके मैंने ये भी बातें ऐसी की कि वो वीडियो के माध्यम से बच्चों को उसका जो कुछ है कि कैसा होता है और वो रिएक्शंस वगैरह कैसी होती है उनको मैं विजुअलाइज करके ऑन स्क्रीन बताने लगा। सर मेरा जब भोपाल में एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुआ उसमें वर्चुअल लैब करके एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, उस वर्चुअल लैब के जरिए मैं बच्चों के प्रैक्टिकल्स ऑन स्क्रीन लेने लगा। बात ऐसी होती है सर कि बच्चों भी वो जो फेट के माध्यम से और ये वर्चुअल लैब के माध्यम से बच्चे खुद वो प्रैक्टिकल ऑन स्क्रीन करते थे। उस वक्त मेरा लैपटॉप का इस्तेमाल बच्चे करते थे, मैं वो कॉर्डलेस माई ये जो कुछ कीपैड है कॉर्डलेस माउस वगैरह इस्तेमाल करता था, बच्चे उनके बेंच पे वो लेते थे स्क्रीन पे, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे और प्रैक्टिकल नॉलेज सच्चे लैब में नहीं मगर वर्चुअल लैब में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके करते थे, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी। सर अगर हम देखें अपनी जर्नी को पीछे जाके, तो एक छात्र को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने से ऐसे स्पेसिफिक कौन सी मदद मिलती है? एक तो बात ऐसी है सर, बच्चों के बारे में हम देखें तो अभी फिलहाल कंटेंट बहुत से बड़े, साइंस ले लो या मैथ्स ले लो, तो कंटेंट के हिसाब से बच्चों को अगर हम पढ़ाने जाए तो वक्त कम गिरता है। और टेक्नोलॉजी बात ऐसी है कि कम समय में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं,
दूसरी बात ऐसी होती है कि बच्चों के भी पढ़ने के सबके स्पीड एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे स्लो स्पीड से है, कोई बच्चे मीडियम स्पीड से, कोई बच्चे टैलेंट है। तो फिर बात ऐसी होती है कि अगर टेक्निकल तौर से उनके साथ में चले तो ये तीनों बच्चों के जो हमने कुछ अलग अलग किए हैं तो बच्चों को हम उनके स्पीड से पढ़ाने को टेक्निकल तौर से मदद कर सकते हैं। ये सहायता बहुत जरूरी होती है। बच्चों का हमने अगर ऐसे ग्रुप किए तो बच्चे का लीडर्स जो है तो लीडर्स वो बातें बहुत अच्छी तरह से करता है। मैंने किया है हमारे ये बच्चों में हमने इस तरीके से बच्चे डिवाइड किए कि जिसमें सामान्य बच्चे मीडियम लेवल के बच्चे और एक टैलेंट बच्चा उसका मैंने बॉस भी बना दिया, यानी वो बच्चों का ग्रुप लीडर बना दिया। तो फिर वो क्या करते थे कि हमारे स्कूल में जो कुछ कंप्यूटर है फिर वो बच्चे क्या करते थे कि वो लीडर का मानते थे, फिर वो स्लो स्पीड का बच्चा था उसको स्पीड आता था, मीडियम स्पीड का जो बच्चा था वो भी उसमें इंटरेस्ट लेता था, एक दूसरे को वो पढ़ाते थे, बस टीचर नहीं बल्कि बच्चे पढ़ते थे। तो सर आप कौन कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने में? बच्चों को पढ़ाने के लिए सर पोर्टल के बारे में हमने अगर सोचे तो पहली बात जो है तो विकिपीडिया का मैं बच्चों को ज्यादा करके इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ कि क्या बात होती है कि समझो कुछ बातें हमारी नहीं समझ में आ रही है कंटेंट के बाद हमारा हमारी की बात तो आप जानते हैं कि वो विश्वकोश वगैरह जो है तो ढूंढने के उसमें से वो शब्द का अर्थ निकालने का उसके लिए बहुत दिक्कतें थी, मगर ये विकिपीडिया के माध्यम से बच्चों को जो कुछ सवाल पैदा होते हैं उनके दिमाग में कुछ बातें रहती है तो वो बहुत आसानी से इंटरनेट के जरिए वो ढूंढ लेते हैं। फिर मैंने दूसरी बात जो तो उसमें कॉन्सेंट्रेट की थी फेट की, ये PhET फेट ये एक ऐसी बात है कि बच्चों को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सर्किट बनाने हैं या कुछ उनको प्रैक्टिकल करना है तो वो साधन के सिवा वो PhET फेट के माध्यम से करते हैं। सर उस वक्त मेरा भोपाल का जो ट्रेनिंग हुआ उस ट्रेनिंग से मुझे मालूम गिरा कि एजुकेशनल एप्स के माध्यम से हम बहुत सी कुछ बातें बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और उस वक्त सर मैंने वो मैथ्स के कुछ मैथ्स लैब या वर्चुअल लैब या जियोजेब्रा अभी तो जियोजेब्रा में क्लासिकल जियोजेब्रा ज्योमेट्रिकल इसमें बहुत सी कुछ टूल्स के माध्यम से वगैरह बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी मैं मेरे घर से बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से बात अपनी हो रही है उस तरीके से हमारी बात बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स के साथ में भी होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई आपने सर, और पोर्टल भी अगर बात करें तो उसमें आपने कई सारे पोर्टल बताए हैं। तो सर हम अभी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। उपलब्धियों के बारे में अगर देखे सर तो एक बात ऐसी थी कि एक मौका ऐसा था कि उस वक्त के शिक्षण अधिकारी जो थे हरुण अतार साहब हमारी एक मीटिंग में हम थे और उन्होंने ये टेक्निक के बारे में बातें कुछ कही और उस वक्त मेरे पास में मेरा लैपटॉप था। मुझे एक आदत ही थी कि जिस तरह मैं जिस और जाता था उस तरफ मुझे कुछ मिले ये उम्मीद रखे मैं मेरा लैपटॉप मेरे साथ में रखता था। वहाँ पे मुझे कुछ चीजें मिली तो पेन ड्राइव के जरिए ले ले कर ले। और उस वक्त जब शिक्षण अधिकारी अतार साहब थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी आपके पास में किसके पास में कुछ है क्या किस तरीके से तुम पढ़ाते हो या ये करते हो। तो उस वक्त सर मैंने आयसर में वीडियो एडिटिंग का काम किया था यानी प्रशिक्षण किया था और उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था वो लैब में वहाँ के टेक्नीशियन के माध्यम से और मैंने वो आता साहब से शिक्षण अधिकारी उनके साथ में मैंने वो शेयर किया। सर उन्हें वो इतना बेहतरीन पसंद आया कि उन्होंने बोले नहीं बोले अभी तुझे कुछ करना है। बस सर वहां से तो मुझे ऐसी कुछ ग्रुप मिली कि फिर उसके बाद में मुझे इतनी चुनौतियां मिलती रही इतनी उपलब्धियां मिलती रही कि फिर मैं तालुका लेवल का मास्टर ट्रेनर जिला लेवल का मास्टर ट्रेनर उसके बाद में विभागीय मास्टर ट्रेनर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर मैथ्स और साइंस के लिए मेरे बहुत से काम होते रहे। सर बच्चों के लिए तो पढ़ाता था मगर टीचर्स लोगों के सामने जब 250 400 500 टीचर सामने हो और उनके साथ में ये टेक्निक के बारे में कुछ बातें करे तो वो कुछ बहुत चैलेंज था सर, मगर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मौके मिलते रहे। बाद में अगर देखे तो फिर मुझे NOS का भी बहुत अच्छा मौका मिला था कि ओपन स्कूलिंग के लिए मुझे काम करने मिला। बाद में और भी देखे तो ये जो कुछ रिजल्ट थे 10% रिजल्ट लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस माध्यम से मैं 7 विभाग में मेरा काम हुआ। सर सर इसमें बात ऐसी होती गई कि उस ये हमारे काम की वजह से तालुका लेवल पे के पुरस्कार तो मुझे प्राप्त हुए
जिला लेवल के भी पुरस्कार प्राप्त हुए, झेड़पी ने उसका ये किया, राज्य लेवल पे बहुत अच्छे मौके मिले, वहां पे भी मुझे पुरस्कृत किया गया। बाद में अगर देखे तो ये कुछ रोटरी क्लब ऑफ तालुका तहसील, रोटरी क्लब पुना, तो इन्होंने भी बहुत से पुरस्कार दिए सर। पुरस्कारों के बारे में बहुत से पुरस्कार मिलते गए मिल रहे हैं, मगर बात ऐसी कि सर ये उपलब्धियां हमें प्राप्त हो इसके लिए तो हमने काम उस वक्त दिमाग में नहीं रखा था, मगर एक बात मुझे समझ में आई कि बस हम जिस तरीके से काम करते रहते हैं उपलब्धि हमारे पीछे दौड़ती है। सर आपका अनुभव और आपकी उपलब्धियां और आपके प्रयास, इन सब चीजों को अगर एक साथ जोड़े तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय हमें क्या कौन सी ऐसी बातें बताएंगे कि हमें और हमारे शिक्षक साथियों को वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बाद में हमें जाना है टेक्नोलॉजी में, हमें जाना है तो हमें उसके साइबर लॉ उसके बारे में हमें मालूमत होना जरूरी है। बच्चे अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चों को मालूम नहीं है उसका परिणाम क्या होने वाला है, और बच्चों की साइकोलॉजी यही होती है कि परिणाम की और बच्चों का ख्याल नहीं रहता, मगर हम टीचर लोग ये परिणाम की मालूमत रखते हैं। यानी पहला मकसद हमारा ये है कि बच्चों तक टेक्नोलॉजी जा रही है, जाना जरूरी है और वो जानी चाहिए, मगर वो बच्चे वो टेक्निकल का इस्तेमाल करते समय वो हमारे फायदे के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे सही मकसद के लिए कर रहे हैं ना, इस पर ख्याल रखना पेरेंट्स का पहले काम है, बाद में दूसरे टीचर्स लोगों का काम है। सबसे बेहतरीन बात, हमें बच्चों को गलत समझना नहीं है। अभी हम अगर सोचे तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को किडल का इस्तेमाल करना जरूरी है, मगर बच्चे जानते नहीं किडल क्या है। फिर हमने ये भी जरूरी है कि बच्चे जो एप्स इस्तेमाल करेंगे, बच्चे जो नेट डाटा इस्तेमाल करेंगे, वो किस लिए किया जाता है। अभी हमने देखे तो इसके बारे में बहुत सी कुछ बातें हर जगह पे इसकी जानकारी मिल रही है, इसका सब तरफ पब्लिसिटी भी हो रहा है, पेरेंट्स लोग भी इस बारे में जागरूक हो रहे हैं, और उस तरीके से हमने विश्वास डाल के बच्चों को सही तरीके से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए साइबर लॉज, मामूली मामूली जो कुछ ऐसे बातें जो है तो उनके साथ में अच्छे जो तज्ञ है वो तज्ञों को बुलाकर उनके साथ में ये बच्चों को थोड़ी सा गाइडेंस दिलाए, और उसके जो परिणाम जो है वो परिणाम के बारे में अगर बच्चों को शुरू शुरू में उनके तरीके से अगर सिखाए बताए तो मुझे विश्वास है बच्चे गलत तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी सर, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम अलग अलग राज्यों के लोगों से जुड़ रहे हैं तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपसे बात करके मिला, और बाकी साथी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद उन लोगों को भी मदद मिलेगी कि आपने किस तरीके के संघर्ष किए हैं और आपने किस तरीके के उद्देश्य रखे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कैसे आसानी से सिखाया जा सकता है, उसके सीखने में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सब लोगों के लिए एक उत्साह बनाने वाली चीज है, बाकी लोगों को भी मोटिवेशन देगा मैं ऐसा करता हूँ। धन्यवाद सर। आज के एपिसोड में हमने मोहम्मद डी मुलानी जी से सुना कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा स्तर बढ़ाने में किया जा सकता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कहानियां हैं तो हमें ईमेल करके बताइए। मिलते हैं अगले शनिवार 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।